आज हमारे साथ है जेल मंत्री राम लुभाया जी। नमस्कार मंत्री जी। मंत्री जी, आप तो खुद जेल मंत्री हैं, फिर भी आपको जेल की हवा खानी पड़ी, आप पे क्या चार्ज लगा था? चार्ज? हम फ्री ऑफ चार्ज गए थे जेल में। जेल अधिकारी का इतना हिम्मत हो गया हमरे से पैसा लेंगे? थिंक पॉजिटिव। सर, आजकल हमारे देश के जेलों की हालत बहुत खराब हो गई है। एक एक सेल में 50-50 कैदियों को ठूसा जा रहा है, ये बात तो शर्म की है। ये गर्व की बात है। जरा सोचिए, एक ही छतवा के नीचे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मजे से रहता है, साथ ही बैठ के खाता है, एक जैसा वस्त्र पहनता है, ये एकता की मिसाल है। थिंक पॉजिटिव। मंत्री जी, जिस तरह से हमारे देश में भ्रष्ट नेता मंत्री ऑफिसर्स पकड़े जा रहे हैं, जेलों में जगह कहाँ है? आप फ्यूचर में क्या करेंगे? ये प्रश्न आपका अच्छा है। इस पर हम जेल के अंदर विचार किए थे और जेल के अंदर निर्णय ले लिए थे कि आइंदा से भविष्य में जेल के अंदर हम उन लोगों को भरेंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार ना किया हो, रेप ना किया हो, मर्डर ना किया हो, चोरी ना किया हो, ऐसे लोगों को जेल में डालेंगे। तो ये थोड़े लोग होंगे, जेल में फैल के रहेंगे आराम से। थिंक पॉजिटिव। ममतावती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी आपने ये करोड़ों की माला पहन रखी है, जबकि कठोर सिंह जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का खजाना खाली हो चुका है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, और मैं कठोर सिंह और उनके गुंडों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती, इसलिए उत्तर प्रदेश का खजाना मैं साथ लेके चलती हूँ, अपने साथ, अपने निगरानी में। ये बात आप नोट कर लो। कठोर सिंह जी ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में देसी कार नैनो बनाने की जगह आपने नहीं दी, बल्कि विदेशी BMW कार को आपने हरी झंडी दे दी। कितने में आपकी डील हुई? ये डील की नहीं बल्कि दिल की बात है। BMW वालों ने BMW का असली मतलब मुझे समझा दिया है। BMW का असली मतलब ये है, बहन ममतावती। बस इसी से मैं प्रसन्न होके उनको इजाजत दे दी। इस बात को भी आप अच्छी तरह नोट कर लो। कठोर सिंह जी ने ये भी कहा है कि कठोर सिंह ने वो कहा। आपने कुछ नहीं कहा, ये क्या है? आपके दिए हुए नोट। जो लोग कठोर सिंह के साथ हैं उनके लिए मेरे पास बिल्कुल नोट नहीं है। ये बात आप लोग भी अच्छी तरह नोट कर लो। मंत्री जी, आपने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद आप सारे गरीबों को एक एक क्वार्टर देंगे, लेकिन आपने तो नहीं दिया। हमने ये वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद हम सारे गरीबों को क्वार्टर्स देंगे पीने के लिए। उन्होंने पिया, मजा मारा, प्रसन्न हुए, टुन हुए, टाइट हुए, हर वादा निभाया, जानकारी नहीं। मंत्री जी, आप कहते हैं कि आपके लड़के बड़े ही संस्कारी हैं, पर वो तो आए दिन मारपीट करते रहते हैं। एक बात आपको बता दें, हमारे सारे संस सबसे बड़े संस्कारी हैं। हमने अपने सारे संस के पैदा होते ही उन्हें कार दी है, तो हुए ना हमारे सारे संस कार वाले। संस्कार, वाह सर वाह। बिठाइए उनको, बिठाइए। यहाँ क्या मुंह फैला के खड़े हुए हैं, बिठाइए। मंत्री जी, आप कहते हैं कि आप बड़े ही खानदानी आदमी हैं, लेकिन आपको देखकर लगता तो नहीं है। क्या मतलब है आपका नहीं लगता है? क्या मतलब है नहीं लगता है? देखिए, हमारा सारा खाना दूसरों के दान पे ही चलता है, तो हुए ना हम सबसे बड़े खानदानी। बात करती है, जानकारी नहीं। मंत्री जी, जी जी, आपने कहा था चुनाव जीतने के बाद आप 5 साल में सब कुछ सेट कर देंगे, क्या क्या सेट किया आपने? जो मैंने वादा किया उसको पूरा निभाया, मैंने सेट कर दिया। मैंने अपने दोनों बच्चों को MP से मिलने वाले फंड से अमेरिका में सेट कर दिया। और रही बात मेरी, मुझे ज्यादा खर्चे की जरूरत है नहीं, मेरा महीने का बस खर्चा है 1-1.5 करोड़ रुपए का, हमारा तो हो जाता है, तो पूरा सेट है, सेट है, सेट कर दिया, सेट कर दिया। वाह वाह। मंत्री जी, आप कहते हैं हमारे देश के नेता गांधी मार्ग पर चल रहे हैं, मगर ऐसा है तो नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। न सिर्फ नेता बल्कि अपने देश के टेम्पो, रिक्शा, लॉरी, ट्रक, ये सारे के सारे गांधी मार्ग पे चल रहे हैं, बड़ी स्पीड में चल रहे हैं गांधी मार्ग पे। मैं तो ये तक बता सकता हूँ कि आज हमारा देश गांधी मार्ग पे कितने किलोमीटर चला। सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ।